ए फिरंगी चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना क्या डिसमिस, बाहर में गई नौकरी, मैं खुद रिजाइन करता हूँ। आई रिजाइन, मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ए साधु। क्या साधु? सर इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनके टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है, वो खुद एक मिशन है। तो भाई कांस्टेबल हो, कांस्टेबल चला। हाँ और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये देखिए नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। एक्सीलेंट जॉब साधु, 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है। सर ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो, खाली करवाओ सब। सर सर रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो नाम क्या है तुम्हारा? जी सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो यादव जी। किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी।
हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? दो दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर, सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर, दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई चार कदम और आगे निकल गई। सागर वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन हिज डिपार्टमेंट सर। बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर, हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दे? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा।